इग्यारकुंड प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बुधवार को सभागार कक्ष में पंचायत चुनाव के संबंध में सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए सभी थाना और ओपी प्रभारियों के साथ बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार करमकार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने सभी थाना और ओपी प्रभारी को क्षेत्र में शांतिपूर्वक चुनाव करने को लेकर दिशा निर्देश भी दिया। बैठक में अंचल अधिकारी अमृता कुमारी गल्फर बारी, ओपी प्रभारी संजय कुमार उरांव सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। इग्यारकुंड प्रखंड में तीसरे चरण में चुनाव होना है, उसी के आलोक में जो तैयारी की जा रही उसी की समीक्षा किया गया। मुख्य रूप से भी हमारे जो पुलिस के द्वारा जो कार्य किया जाना है और उनके से जो भी चीजें हैं उससे संबंधित बातें की गई, साथ ही हमारे जो बूथ है उसके स्थिति के बारे में पता किया गया है। ये सब चीज़ को लेकर के जो है हम लोगों ने बैठक रखा था। इग्यारकुंड प्रखंड में तीसरे चरण में चुनाव होना है, उसी के आलोक में जो तैयारी की जा रही उसी की समीक्षा किया गया। मुख्य रूप से भी हमारे जो पुलिस के द्वारा जो कार्य किया जाना है और उनके से जो भी चीज़ें हैं उससे संबंधित बातें की गई, साथ ही हमारे जो बूथ है उसके स्थिति के बारे में पता किया गया है। ये सब चीज़ को लेकर के जो है हम लोगों ने बैठक रखा था। हम लोगों का जो चुनाव में मुख्य चीज़ें होती हैं कि भाई सुरक्षा लोगों को मिल सके, सुरक्षित रूप से मतदान हो, किसी तरह का विधि व्यवस्था व्यवधान ना हो, उसी को लेकर के बैठक की गई थी ताकि जो चुनाव हो निष्पक्ष रूप से अच्छे मतलब ढंग से हम लोग चुनाव कराएं, इसी की तैयारी को लेकर के हम लोग बैठक किया है।